नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूँ आपके साथ पारुल, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। और आज बात करेंगे गैर मुस्लिम बच्चों पर छलिंग। उत्तर प्रदेश में यूपी मदरसा बोर्ड और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग आमने सामने हैं। उत्तर प्रदेश के मदरसों में कुछ हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को मदरसों में हिंदू बच्चों पर आपत्ति है। आयोग का कहना है कि मदरसों में मजहबी शिक्षा दी जाती है जो हिंदू बच्चों के अधिकारों का हनन है, लिहाजा हिंदू बच्चों को मदरसों से निकालकर स्कूलों में डाला जाए। लेकिन मदरसा बोर्ड को ये सिफारिश पसंद नहीं है। मदरसा बोर्ड का कहना है कि बच्चे क्या पढ़ें ये उनके अभिभावकों की इच्छा पर निर्भर करता है। हालांकि बदलाव के तौर पर मदरसा बोर्ड ने पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी किताबों की जगह यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग की किताब में शामिल करने का फैसला कर लिया है। लेकिन बाल संरक्षण आयोग इससे संतुष्ट नहीं है। आयोग का कहना है कि बोर्ड हिंदू बच्चों को भी मजहबी शिक्षा देने की जिद कर रहा है, ये गैर कानूनी है। केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार होते हुए भी दो संस्थाएं आमने सामने क्यों हैं? इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं इस बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। बैठक में बच्चों के किताबों को लेकर की चर्चा हुई है, एनसीईआरटी और बेसिक किताबों की स्कूल पढ़ाया जाए। इसके अलावा 5 साल से बच्चों को ड्रेस नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए भी कहा गया है कि ड्रेस मुहैया कराया जाए उनको। उसके अलावा अभी हाल ही में नियमावली को लेकर के कई मीटिंग हुई थी हम लोगों की, तो उसमें जो संशोधन का विचार है उसको भी शासन को भेजा जाए, इस पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का पत्र मिला था शासन को, शासन के जरिए से हम लोग को भी आया था कि इनकी जाँच करा गैर मुस्लिम छात्रों को उनमें छांटा जाए, उनको किसी और विद्यालय में एडमिशन कराया जाए। लेकिन मदरसा बोर्ड या उसके सारे मेंबर हम लोग सब लोगों ने मिलकर के फैसला लिया कि उस तरह कोई भी जांच हम न कराने वाले हैं न कराएंगे, और इस तरह की चीज़ें मदरसा बोर्ड नहीं कराएगा। देखिए, मदरसा बोर्ड मदरसों की स्थिति के बारे में प्रशासनिक इकाई है, वही उनका नियंत्रण करता है, वही उनको दिशा निर्देश देता है। और जहाँ तक बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात है, तो जहाँ तक जानकारी है, आयोग की एक सदस्य ने अपने व्यक्तिगत आधार पर उनको कोई प्रतिवेदन दिया था और उस पर निर्णय करने का अधिकार मदरसा बोर्ड पर है। उन्होंने जो निर्णय किया है अपने अधिकार क्षेत्र में निर्णय किया है, तो ये एक व्यक्तिगत निवेदन पर एक आयोग का निर्णय है, इसे इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्रदेश सरकार के कहने पर बाल संरक्षक जो अधिकार आयोग है वो मदरसों में जो गैर मुस्लिम पढ़ते हैं उनको वहाँ से चाहता है कि निकाल दिया जाए। मदरसा बोर्ड ने जो ये फैसला किया है वो सही है। मदरसा बोर्ड में जो अगर हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं तो सरकार चाहती है कि वो हिंदू बच्चे वहाँ ना पढ़ पाए। सरकार उन बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था करने का काम नहीं कर रही है। मदरसा के अंदर गैर मुस्लिम बच्चों को भी रहने, खाने पीने और पढ़ने की निशुल्क व्यवस्था है। इसलिए प्रदेश सरकार जनता का मुख्य मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए इस तरह से आदेश करने का काम कर रही है। जो मदरसे ठीक से चल रहे हैं, जहां पर गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, उन बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए प्रदेश सरकार के इसने ऐसा निर्देश जारी करवाया है। मदरसा शिक्षा बोर्ड और बाल संरक्षण आयोग में जो टकराव हुई है उसका मेन कारण यह है कि जो प्रदेश की सरकार है ये नहीं चाहती है कि बच्चे गैर मुस्लिम बच्चे मदरसे में पढ़े। हम समझते हैं कि इसमें हर्ज ही क्या है। हमारा देश सर्वधर्म संभाव का देश है, इसमें अगर वो शिक्षा लेते हैं तो उनमें एक सद्भाव बना रहेगा, साथ में अगर शिक्षा लेते हैं सद्भाव बना रहेगा और भेदभाव नहीं रहेगा और संभाव से वो काम करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। एक अच्छी नागरिक बनने का बात महत्वपूर्ण ये है कि एक अच्छा नागरिक बने। भारतीय जनता पार्टी अपनी एक गलत मानसिकता के तहत कि ये जो विभाजनकारी सोच रखती है इसमें ये मुद्दा होना चाहिए आज कि बेरोजगारी है, महंगाई है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सुरक्षा है, इसका मेन मुद्दा होना चाहिए। ये जनता से भटकाव और ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे बना रही है जो सही नहीं है। बच्चों को शिक्षा मिले, अगर मदरसा में अगर उनको अच्छे से शिक्षा मिल रही है, सुविधाएं मिल रही है, निःशुल्क हो रहा है, तो इसमें हर्ज ही क्या है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं इस पर, क्या कुछ कहना है राजनीतिक दलों का, कहीं से भी सियासी मुद्दा तो नहीं बनाया जा रहा, और क्यों आखिर मदरसा बोर्ड इस बारे में
इनकार कर रहा है। जिनेंद्र प्रताप सिंह प्रवक्ता है सुबह सपा से। जिनेंद्र जी स्वागत आपका नादी टीवी पर। शमशी आजाद साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। शमशी साहब आपका भी स्वागत। नवीन दुबे जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ बने हुए। नवीन साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दिनेश शर्मा जी माफ कीजिए नावेश शेखो साहब हमारे साथ जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नवीन साहब आप इससे शुरुआत, क्यों आखिर मदरसा बोर्ड है उनको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसे लोगों को ऐसे बच्चों को पढ़ने का उनके अभिभावकों के पास अधिकार है कि वो कहाँ पढ़ते हैं कहाँ नहीं, लेकिन आयोग का कहना है कि ये गलत होगा अगर उन्हें किसी भी धर्म की शिक्षा किसी जगह पर मिल रही है तो, खासतौर पर जब बात मदरसों की हो। शिको साहब ये जबरदस्ती नहीं है, अगर अभिभावक अगर पेरेंट्स पढ़वाना चाह रहे हैं या उनको वहां पर शिक्षा मिल रही है तो उनके ऊपर कोई अपना नहीं होना चाहिए। जरूर है वहां पर नहीं है कि वहां पर पढ़ने वाला बच्चा किसी कट्टरता से या किसी धर्म विशेष से जुड़ ही जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का खुद दावा है, केंद्र मोदी सरकार का भी दावा है कि एक तरीके से आधुनिकीकरण जिस तरह से मदरसों में हुआ है, सरकार ये दावा करती है जहाँ आज की शिक्षा उन्हें पढ़ाई जाती है वहाँ कंप्यूटर की बात, साइंस की बात, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। और वापस लौट रही हूँ आपके पास, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा ब्रेकेज है, समझ नहीं पाएंगे मेरे दर्शक क्योंकि बहुत कट के आपकी आवाज मिल रही है हमें। मैं वापस लौट रही हूँ, हमारी टेक्निकल टीम आपके ऑडियो को चेक कर लेती है जब तक, उसके बाद मैं जा रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास। आजाद साहब भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसमें बच्चों की शिक्षा भी आती है, ऐसा मसला है जिसमें धर्म भी आ जाता है, ऐसा मसला है जिसमें आयोग कुछ तो विचार रखकर इन बातों को सोच रहे होंगे, लेकिन ये भी सच है कि अभिभावकों का अधिकार है कि वो अपने बच्चे को क्या पढ़ाना चाहते हैं क्या नहीं। धन्यवाद पारुल जी, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। रणनीति टीवी के माध्यम से लगातार जनता की समस्याओं को उठाया जाता रहा है और मैं इसका सम्मान करता हूँ। देखिये जो सरकार में इस वक्त खींचाटान की गई है, कंट्रोवर्सी यहाँ पर है और इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई चाल है और नहीं किसी मंत्री की इसमें कोई चाल है। बाल संरक्षण आयोग ने सिर्फ शिकायत की थी कि मदरसे को मदरसा ही रहने दिया जाए, जबकि इसके विपरीत जो सरकार मदरसे को मॉडल बनाने का काम कर रही है, क्योंकि मोदी जी ने बिल्कुल साफ कहा है ये कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में मदरसा में जो पढ़ने वाले छात्र उनके एक हाथ में कुरान हो, कुरान शरीफ का उन्होंने कुरान का सम्मान करते हुए कुरान शरीफ कहा है, और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। इसी पद्धति को लागू करने के लिए योगी सरकार ने मदरसे का सर्वे कराया और जो गैर मान्यता प्राप्त है जिनको अवैध कहा गया, इस पर बहुत सी बहस होती रही। अब एक चीज इसमें नहीं, बाल संरक्षण आयोग ने यह कहा कि मदरसे में जो गैर मुस्लिम बच्चों को न पढ़ाया जाए, तो फौरन मीटिंग की गई और उसमें इफ्तिखार साहब ने बिल्कुल सिरे से इस मैटर को खारिज किया और उन्होंने कहा कि जो मदरसे में शिक्षा लेने चाहते हैं गैर बिरादरी के लोग, गैर मजहब के लोग, गैर धर्म के लोग, उनका पूरी तरीके से स्वागत है, सम्मान है, क्योंकि शिक्षा जो है ये किसी धर्म बढ़कर नहीं रह सकती। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी सरकार में ऐसा कोई काम हो ये कदापि जो है उचित नहीं होगा, कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि भारत संरक्षण आयोग जो है इसे कानूनी धमकियां भी दे रहा है और कह रहा है कि आगे भी कई शिकायत करेंगे और मंत्री तक जाएंगे, शरण में जाएंगे। उस के बाद सरकार का पूरी तरीके से फैसला है कि कोई भी अगर मदरसे में गैर मदरसे के लोग अगर मदरसे में शिक्षा करना चाहते हैं तो उससे हमारी शिक्षा का विस्तार होगा, उससे आपकी भेदभाव जो दूरियां जो बड़ी दूरियों को खत्म करने का होगा, जो उनके पेरेंट्स हैं वो कम से कम मदरसे के मौलवियों से आकर मदरसे का माहौल देखेंगे। तो पता नहीं लगता कहीं से कि अगर मदरसे में कोई गैर मजहब के छात्र अगर आकर पढ़ेंगे तो उससे इस्लाम को खतरा है या मुसलमानों को खतरा है, ऐसा कहीं नहीं, बल्कि मदरसा ये चाहता है। जब ये कही दिया गया कि मदरसे में एनसीईआरटी के तहत पर जो है शिक्षा पद्धति लागू की जाएगी, टीसी पास जो है मदरसा नरेटर मॉडल एजुकेशन का एक कॉलेज कहा जाएगा, एक दफ्तर कहा जाएगा, एक ऑफिस कहा जाएगा, तो इसमें जब जहाँ पर इस तरीके धर्म बिरादरी राजनीति जहाँ पर सब कुछ किनारे हो जाता है, मिला जुला कर यह है कि ऐसा कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं कि मदरसे में कोई दूसरे मदरसा दूसरे धर्म का अगर कोई शिक्षा लेना चाहे उसको मना किया जा सके।
कंट्रोवर्सी है, इस पर जो है कंट्रोवर्सी अपना लोग कर रहे हैं, लेकिन इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी का रुख बिल्कुल क्लियर है। और राजीव प्रसाद जावेद जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने भी मीडिया के माध्यम से ये साफ कहा कि जैसा चल रहा था, कोई भी अगर मदरसे में शिक्षा लेना चाहे तो हम उसका स्वागत करें। नवीन साहब, आपका क्या कहना है इस पर? पारुल जी, देखिए ऐसा है कि मैंने अभी अपने शमशी साहब को सुना। शमशी साहब के दोनों बयान कंट्रोवर्सियल हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मदरसा बोर्ड बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोग भी उससे इत्तेफाक रखते हैं, मदरसा बोर्ड अपनी जगह बिल्कुल सही है। शिक्षा को आप धर्म में नहीं बांध सकते हैं। अगर कोई मुस्लिम छात्र है, मुस्लिम बच्चा है, वो अगर संस्कृत की शिक्षा लेना चाहता है तो उसमें गलत क्या है भाई? और अगर हिंदुओं के बच्चे उर्दू सीखना चाहते, उर्दू तो बहुत प्रेम मिलाप की भाषा है, और आप देखें तो एक जमाना था जब लोग साहित्य लिखा करते थे और उर्दू शब्दों अच्छे लोग प्रयोग किया करते थे, और आज भी हम लोग करते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, तो इसमें गलत क्या है? अब आप एक चीज देखिए, बाल संरक्षण आयोग और मदरसा बोर्ड, इन दोनों संस्थानों का नियंत्रण जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। एक बाल संरक्षण आयोग जो कहता है वो ये कहता है कि साहब गैर छात्रों को मदरसों से बाहर कर दीजिए, जबकि मदरसा आयोग की बोर्ड ये कहता है कि नहीं साहब हम सबको शिक्षा का अधिकार देते हैं। तो ये जिम्मेदारी सरकार की बात पहले ये हम दोनों कंट्रोवर्सी बयान दिया, लेकिन आपने हमारे साथ को दिया, आप हमारी आप बोले आप बोलिए कि बाल संरक्षण आयोग गलत कह रहा है, सरकार गलत करा रही है, उससे सरकार को बोले उसको लगाम लगाए, क्यों नहीं लगा रही है सरकार लगाम भाई साहब? ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? विपक्ष की बनती है, सरकार लगाएगी? बाल संरक्षण आयोग पर लगाम कौन लगाएगा जो इस तरीके का बयान जारी कर रहा है? इस देश के अंदर संविधान और कानून की मर्यादाओं का उल्लंघन किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, इस पर जिम्मेदारी किसकी है? और भारतीय जनता पार्टी को मसाला चाहिए। नवीन शेखर साहब हमारे साथ जुड़ गए क्या? अवैध आयोग जो है, बाल संरक्षण आयोग जो है, ये खुद में ज्यूडिशियरी पावर रखता है, तो मदरसा बोर्ड की हैसियत नहीं कि आप उसको जो आयोग को कुछ कर सके। आयोग अपना कह रहा है, बात कर रहा है भाई, आयोग की बात नहीं, तो मदरसा बोर्ड ये बैठी है, ईडी और सीबीआई को नियंत्रण में लिए बैठी है, क्या बात कर रहे हैं आप? किस तरीके सरकार की कार्रवाई सारी संस्थाओं में चल रही है, बाल संरक्षण आयोग बिल्कुल निरंकुश हो गया, मजाक की बात है। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए नवीन जी और शमशी जी, आप लोगों ने अपनी बात रखी, एक बार हम शिको साहब से सुन लें, उसके बाद हम आगे भी सवाल आपसे करेंगे। जनेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनेंद्र जी, जाहिर सी बात है कि ये समस्या अपनी जगह पर है कि कौन क्या चाहता है, लेकिन बच्चों के लिए क्या सही है इस बारे में भी सोचना होगा। सुबह से पक्का क्या सोचना है इस पर, जल्दी से जवाब दीजिए। सर्वे हैं जिनमें 19,00,000 बच्चे पढ़ते हैं, और उसमें से 7,442 मदरसे हैं जिनमें जिनको सरकार आधुनिकीकरण के दौड़ में शामिल किया है। मैं तो कहता हूं सरकार से अपील है कि वो बाकी को भी आधुनिकीकरण के दौड़ में शामिल करे। प्रधानमंत्री जी का सपना था, जो उन्होंने देखा था जब सरकार बनी थी, उन्होंने कहा था कि मदरसों में ऐसी शिक्षा हो कि एक हाथ में कुरान शरीफ हो और दूसरे हाथ में माउस हो, यानी कि कंप्यूटर का माउस हो। और आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि जो मदरसा बोर्ड का बयान भी आया है, वो कह रहा है एनसीईआरटी की किताबों की जगह हम बेसिक शिक्षा विभाग की जो किताबें हैं उनको लागू कर देंगे। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि जो भी बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हैं, उनको शिक्षा दी जा रही है मदरसों में, चाहे वो गणित की हो, विज्ञान की हो, अन्य विषयों की हो। रही बात दीनी तालीम की, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, क्या मिसंदी स्कूल में बच्चे नहीं जाते भारत में? क्या संस्कृत विद्यालयों में गैर हिंदू बच्चे नहीं जाते हैं? जाते हैं, लेकिन हमारा जो प्रियांक कानून गोजो की बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है, उनका ये कहना था कि ये तो 28(3) जो अनुच्छेद 28(3) है उसका उसको तोड़ रहे हैं जो हमारे मदरसा बोर्ड वाले, तो उनको शायद पता ही नहीं है कि 28(3) में लिखा क्या है। 28(3) में लिखा है कि बच्चे जा सकते हैं किसी भी स्कूल में जो भी सरकार से मान्यता प्राप्त है, जिसमें दीनी तालीम दी जा रही है, चाहे वो हिंदुओं की दी जा रही हो, चाहे क्रिश्चियन की दी जा रही हो, चाहे मुस्लिम की दी जा रही हो, उसमें जा सकते हैं बशर्ते उनके माता पिता राजी हों, अगर बच्चे वयस्क नहीं है। लेकिन उनको दीनी तालीम दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये बच्चे के माता पिता अपने बच्चे को बता सकते हैं कि आपको उसमें शामिल होना है नहीं होना है। बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पर दो आयोग का, एक मदरसा बोर्ड का
कॉन्फ्लिक्ट है और जहां पे प्रियांक कानूनगो का अपना ईगो सामने आ रहा है वो जबरदस्ती ऐसी चीजें लिख रहे हैं, जबकि इसके अलावा देश के अंदर पता नहीं क्या। ठीक है शिखो साहब हमारे साथ जुड़े हुए। शिखो साहब ये पूरा मसला उठा ही क्यों, क्यों आखिर आयोग को लगता है कि मदरसे में दूसरे धर्म के बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए, और अगर दूसरे धर्म के बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं तो बाकी जो प्राइवेट स्कूल से वहां पर भी बच्चे जाते ही हैं, मुस्लिम बच्चे भी जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां पर भी हम देखते हैं अगर क्रिश्चियन स्कूल है तो वहां पर प्रेयर होती है, संघ के स्कूल है तो वहां पर सरस्वती वंदना होती है, गायत्री मंत्र का जाप होता है, तमाम चीजें अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी है, पेरेंट्स का खुद का सोचना है कि वो कहाँ अपने बच्चों को भेज रहे हैं। जी पारुल जी मेरी आवाज ठीक हो तो नहीं कर जी सर, आपकी आवाज मिल रही है आप मुझे प्रॉपर बताइए। हाँ जी देखिए पारुल जी ये बहुत बड़ा प्रश्न है और मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ चीजें क्लियर हो गई है, इसके ऊपर सब सवाल उठा रहे हैं। आयोग का इस तरह का जो बयान है ये विवादित है और ये सवालिया सवालों के घेरे में आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जो बात कह रहे हैं मैं समझता हूँ कि उनकी बात समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि आयोग बेलगाम कैसे हो सकता है, सरकार का काम क्या होता है, सरकार की कमांड अगर नहीं है सरकार के ऊपर, आयोग के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं से कमजोर है। आयोग अगर इस तरह का प्रश्न उठा रहा है और वो अभिभावकों की जो एक उनकी स्वतंत्रता है, जो उनकी आजादी है, जो उनको स्वयं का लेने के फैसले का जो अधिकार है, उसमें वो कहीं ना कहीं बाधा डाल रहा है और इसको संकीर्णता से जोड़ रहा है, इसको धर्म से जोड़ रहा है, इसमें नफरत पैदा करने जा रहा है। और आयोग का फैसला ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, आयोग के जिम्मेदार लोगों का ये फैसला है, और इस फैसले के ऊपर सरकार कितनी क्यों साधे हुए है, सरकार के बड़े अफसरों की तरफ से, सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से इनको फटकार लगाना चाहिए। यहाँ पर कोई जबरदस्ती बच्चों को नहीं ला रहा है, अगर कोई इस तरह की शिकायत है तो आयोग को सामने आना होगा कि जबरन उनको लाया जा रहा है या प्रलोभन देकर उनको लाया जा रहा है या उनके ऊपर कोई दबाव है। इस तरह के अगर साक्ष्य आयोग पेश करता है तो मैं समझता हूँ कि आयोग का ये अधिकार है और उसकी निगरानी होना भी चाहिए है बच्चों के ऊपर अगर ऐसा है, लेकिन आयोग का जो बयान है वो इस तरह के कोई साक्ष्य पेश नहीं कर रहा है, वो एक ऑर्डर कर रहा है और एक ऐसा ऑर्डर जो कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन करने वाला है। यहाँ पर हो सकता है पेरेंट्स को ये लैंग्वेज उर्दू अंग्रेजी साइंस सब कुछ वहां पढ़ाई जाती है और ये यूपी गवर्नमेंट की और मोदी सरकार का ये दावा भी है कि अब मदरसे पहले जैसे नहीं रहे, आधुनिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उसमें अच्छी तालीम दी जा रही है, उसमें अंग्रेजी सिखाई जा रही है, उसमें कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये भारत के और उत्तर प्रदेश के आम इंसानों का, गरीब जनता का, हर तरह के लोगों का ये अधिकार है कि वो अपने बच्चों को वहां पढ़ाएंगे जहां उनको सुविधा मिलेगी, जहां उनको लगेगा कि उनके बच्चों का नैतिक विकास होगा। लेकिन इस तरह का बयान मैं समझता हूँ, और आयोग सरकार से अलग कैसे हो सकता है, मदरसा बोर्ड ने ठीक है अपना पक्ष रखा है, वो बात अपनी अलग है, वो भी एक सरकार का हिस्सा है, ये बात आपकी सही है, लेकिन ये सिर्फ मदरसा बोर्ड की ही बात नहीं है, सरकार की तरफ से इस तरह उनसे जवाबदेही होना चाहिए। उनका जवाब दीजिए कि अगर आपने इस तरह का सवाल उठाया है तो क्यों उठाया है, क्या इसके पीछे आपकी कौन सी संकीर्णता है, या फिर आपका कोई ना कोई उससे जुड़ा हुआ कोई शिकायत अगर है जबरन करवाने की, जबरन बच्चों का एडमिशन कराया जा रहा है या प्रलोभन दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ सब जरूर इस तरह की बात उठना चाहिए। लेकिन ये लगता है कि कहीं ना कहीं नफरत और धार्मिक राजनीति जो देश की और उत्तर प्रदेश की राजनीति में गंदगी, धर्म और जाति की राजनीति फैल रही है, मुझे लगता है कि सरकार में बैठे, आयोग में बैठे लोग उसमें हवा देते हैं, उसमें उसको आग लगाते हैं और उनको लगता है कि इससे हमें पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, हमारा प्रमोशन होगा, हम चर्चा में आएंगे, मुझे कहीं ना कहीं स्पेस मिलेगा। शमशी जी आयोग ने ये जो निर्णय लिया या ये जो कोशिश की बताने की कि आखिर क्यों पढ़ रहे हैं और उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए, ये जवाब मांगा, इसके पीछे वजह नहीं बताई जा रही, और अगर आयोग अपनी तरफ से ये तमाम चीजें कर रहा है जिसको आप भी गलत मान रहे हैं तो ये मुमकिन कैसे हो जाता है, किसी तरह का कोई कंट्रोल ही नहीं है। अरुण जी बहुत साफ है, मदरसा बोर्ड इस वक्त जो है बिल्कुल सैद्धांतिक तरीके से काम कर रहा है, कहीं पर भी कोई कंट्रोवर्सी का काम नहीं है। इसके पहले भी आपने देखा था कि कुछ एक मेंबर ने आवाज उठाई थी कि छुट्टी जो है
शुक्रवार की जगह रविवार। तो आयोग को क्यों डर लग रहा है दूसरे धर्म के बच्चे अगर मदरसों में पढ़ रहे हैं तो, और आयोग अगर ऐसा कर रहा है तो उसके कोई जवाब लेने वाला नहीं है? आयोग के चेयरमैन साहब ने ये अपनी राय रखी है ना, यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी है, आप भी अपनी तरफ से कोई बयान दे सकती हैं, आप भी अपने चैनल को कह सकते हैं। नहीं नहीं, ये पर्सनल किसी व्यक्ति ने नहीं कहा है सर, ये मदरसा बोर्ड से पूछा गया है और जिम्मेदार पद पर बैठे हुए शख्स ने पूछा है। मदरसा बोर्ड ने जवाब दे दिया, मदरसा बोर्ड ने फौरन ही जब करके उन्होंने जवाब दे दिया कि हमारे यहाँ किसी भी मजहब का अगर कोई आता है तो उसका स्वागत करते हैं, संस्कार करते हैं, उसका पूरी तरीके से सम्मान करेंगे और उसको बेहतर शिक्षा देने का काम करेंगे, ताकि उसको आने वाली जनरेशन को ये पता चले कि मदरसे से निकला हुआ बच्चा, हिंदू मजहब हिंदू संप्रदाय का बच्चा जो है या क्रिश्चियन का या जैन का बच्चा जो है मदरसे से पढ़ने के बाद जब निकला है तो और मजबूत हो गया, शिक्षा उसका स्तर जो है और अच्छी तरीके से उसका हो गया। तो ये कहा गया मदरसा बोर्ड ने इसीलिए बिल्कुल साफ तरीके से कहा कि अगर कोई भी हमारे यहाँ शिक्षा है, मदरसा की बात ही नहीं कर रही हूँ, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इनकी तरफ से तमाम राज्यों के मदरसों को लेटर भेजे गए हैं जहां उनसे बोला गया है कि क्यों वो दूसरे धर्म के बच्चों को मदरसों में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने तो आपत्ति जताई ना, लेकिन मदरसा बोर्ड का अधिकार है, आपत्ति जताई वो तो हम कह रहे हैं कि आपत्ति जताई, अब आपके मदरसे भी वेल डेवलप्ड हो गए हैं, स्किल की तरफ ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई भी वो बेसिक शिक्षा की करा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से ये जो लेटर भेजे गए इसके पीछे मंशा क्या थी? कोई पूछने वाला नहीं है आयोग से? मंशा तो देखते हैं उनकी क्या मंशा थी, हो सकता है कोई हमारे शिक्षा अधिकारी उनसे पूछे भाई कि आपने भेजा है तो आपको क्या लगा, क्या आपको बुरा लगा कि मदरसे में क्या पढ़ने वाले बच्चे जो है वो बच्चे खराब हो रहे हैं, या आप ये चाहते हैं कि मदरसे में जाकर जो है दीनी तालीमात अगर वो हासिल कर सके? नहीं, तो वही तो आयोग के ऊपर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। नवीन जी कहिए। समसी जी, मेरा एक सवाल है, समसी जी ये बता दीजिए किस तरीके की मनमानी और इस देश के अंदर शहर घोलने का काम बाल संरक्षण आयोग कर रहा है, वो उस पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या बोलता है? क्या वो उसका खंडन करेगा, उनको सैक करने की कोशिश की जाएगी? क्यों नहीं, इस देश के अंदर अगर आप किसी आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए, वो मदरसा के साथ ही खड़े हुए हैं, शमशी आजाद जी तो मदरसा के साथ ही खड़े होने की बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही आपत्ति दर्ज करा दी। आप कैसे देश के अंदर बच्चों को बांटने का काम कर रहे हैं? भारतीय जनता एक्चुअली क्या, वो आरएसएस का एक एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले हिंदू मुसलमान को बांटा। नहीं, और कैसे आप इसे समझ कैसे रहे हैं? यहाँ तो बीजेपी साथ में खड़ी हुई दिखाई दे रही है मदरसों के बच्चे, उल्टा आयोग को बचाते हुए दिख रहे हैं। नहीं, नवीन जी आप गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं, आप गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं, वो शुरू से ही जो बात कर रहे हैं उसमें वो मदरसों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा को या किसी चीज को राजनीतिक मुद्दा बनाने की बात ना करें, जो देश के भविष्य की बात है और यहाँ से पढ़ने के बाद बच्चा जो निकलेगा उसकी बात है। अगर उनसे पूछा वो पूरी तरीके से बताएंगे कि उनको क्या लगा, उनसे भी जवाब मांगा जाएगा, ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान है, कानून के दायरे में रहकर सबको चलना पड़ता है। लेकिन ये बताइए शमशी आजाद जी कि अगर मदरसों में पढ़ने वाला बच्चा अगर आ रहा है, ठीक है, उन तमाम किताबें आप उनको मैथ साइंस सोशल स्टडीज तमाम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सही तरीके से उनका स्किल ट्रेनिंग भी हो रही है, लेकिन अगर वो बच्चा उर्दू नहीं पढ़ना चाहता है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, संस्कृत पढ़ना चाहता है, तो वहां पर क्या फैसिलिटी है इस चीज की? जैसे वहां पर कॉन्वेंट के तर्ज पर एनसीईआरटी की पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी और सब्जेक्ट विशेष होता है वहां पर, अगर सब्जेक्ट चूज करने का वहां पर ऑप्शन है तो अगर सब्जेक्ट विशेष चूज करने का उनके पास ऑप्शन है तो आप हिंदू की संस्कृत को मदरसे में भी पढ़ाई नहीं जा रही है तो उसको लामोहाला अगर वो मदरसे में गया तो इसका मतलब है कि वो दीनी तालीमात हासिल करने गया है और उसके साथ वो जो है सामाजिक ज्ञान। ये किसी स्ट्रेटजी के तहत आपको ये तमाम चीजें होती हुई दिख रही है नावे शिको साहब, या इसके पीछे कोई और कारण आप समझते हैं? जल्दी से लाइन पर लीजिए शिको साहब। मुझे लगता है कि आयोग से जुड़े हुए सदस्य और उसके जिम्मेदार जितने भी लोग हैं, जिसने इस तरह के बयान जारी किए, चिट्ठियां जारी की हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठाया है और मोदी और योगी सरकार के ऊपर सवाल उठाया है। वो लोग जिनको नियुक्त किया है सरकारों ने, जिसको इस लायक समझा कि ये जिम्मेदारी निभाएंगे, वही लोग सरकार के खिलाफ है, क्योंकि सरकारों का ये दावा है कि मदरसे अब संकीर्णता से मुक्त हो गए हैं। यहाँ तक इतने बड़े बड़े आरोप लगाते भारतीय जनता पार्टी वाले कि वहां आतंकवाद में पनपता था,
लेकिन योगी मोदी सरकार में साफ सुथरे मदरसे हो गए, वहाँ आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, वहाँ कोई संकीर्णता नहीं है, कोई कट्टरता नहीं है। ये योगी सरकार प्रचार करती है और मोदी सरकार ये प्रचार करती है, लेकिन आयोग के सदस्य ये कह रहे हैं कि वहाँ पर वहाँ से परहेज करो, इसका मतलब वो अपनी पार्टी अपनी सरकार के खिलाफ है। और वही जिन्होंने उनको ये जिम्मेदारी दिया है, ऐसे लोगों को क्यों आप कुर्सियों पर बैठाते हो भाई? सवाल ये उठता है कि जो आपके ही खिलाफ है, आपकी योगी मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई ये तो अछूत है, यहाँ पर तो हमारे हिंदू। ठीक है जितेंद्र जी, एक बात बताइए कि अगर ये इस गवर्नमेंट से पहले किसी और गवर्नमेंट में ये सारी चीजें हो रही होती हैं और आयोग की तरफ से ये बात उठती तो उस वक्त क्या जवाब होता आपका? अरे उस वक्त क्या, अभी तो इस वक्त की जवाब नहीं दे पा रहे, उस वक्त की बात को अलग, पता नहीं उस वक्त क्या स्थिति होती। चलिए तो समय इजाजत नहीं देता, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की तरफ से एक सिफारिश खारिज की गई और ये एक लेटर भेजा गया तमाम मदरसों को, जिसमें ये बताया गया कि मदरसों में जो अन्य कह सकते हैं कास्ट के लोग या अन्य जाति के लोग अगर पढ़ने आ रहे हैं तो उन्हें नहीं पढ़ाया जाए, जिसको मदरसों ने खारिज कर दिया। उन्होंने ये तर्क दिया कि अगर कोई दीन तालीम लेना चाहता है या वहाँ पढ़ना चाहता है तो उसका वो स्वागत करते हैं, लेकिन आयोग की तरफ से ये लेटर क्यों सोचकर भेजा गया, क्या सोचकर भेजा गया, इसके पीछे मंशा क्या थी? हालांकि भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि अगर मदरसों में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो मदरसों को कोई दिक्कत नहीं है और किसी और को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभिभावकों की ये स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आजादी है कि वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं। अब इस पर हो रही है सियासत, आगे ये मैटर कहाँ तक पहुंचेगा देखेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।